थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे पैर जहाँ पर भी अभी रखे हुए हैं वो वहाँ पर पूरी तरह से चिपक चुके हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि तुम्हारे पैर स्टैंड पर रखे हुए हैं या जहाँ पर भी रखे हुए पूरी तरह से चिपक चुके हैं। अभी निकालने की कोशिश मत करो, जब मैं कहूँगा तब निकालने की कोशिश करना, लेकिन इमेजिन करो कि दुनिया का स्ट्रांगेस्ट ग्लू, स्ट्रांगेस्ट फेविक्विक तुम्हारे पैर और उस स्टैंड के बीच में लग चुका है। तो इसलिए तुम जितनी भी निकालने की कोशिश करोगे वो पैर उतने ज़्यादा चिपकते जाएंगे। तुम जितना निकालने की कोशिश करोगे वो पैर उतने ज़्यादा चिपकते जाएंगे और तुम्हें उतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा। 1 2 3 आइज ओपन। हाय, व्हाट्स योर नेम नाउ? शुभम, यू हैव योर नेम, व्हाट्स योर नेम नाउ? रौनक, राइट? तुम्हारा नाम, वेरी गुड। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए ट्राई करो, क्या तुम्हारे पैर निकल पा रहे हैं? पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं, पूरी तरह से चिपक चुके हैं पैर। देखो इनके पैर, देखो कितने अच्छे चिपक चुके हैं। इमेजिन करो कि तुम्हारे पैर चिपक चुके हैं, आई मीन तुम निकाल पा रहे हो पैर या चिपक चुके हैं पूरे? ट्राई कर रहे हो तुम, फिर से और ट्राई करो, लेकिन जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा चिपकते जाएंगे। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है? हिल भी नहीं रहे? ओके, कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है? ट्राई कर रहा है? ट्राई, ओके। 1 2 3 फोकस टुवर्ड्स माय हैंड। अब जब मैं चुटकी बजाऊंगा, जब मैं 3 कहूंगा एक बार, तब तुम्हारे पैर निकल जाएंगे। 1 2 एंड 3। अब पैर निकालो, अब देखो निकल पा रहे पैर तुम्हारे। ट्राई करो, पैर निकल पा रहे? निकल रहा है, वेरी गुड। वो उधर वाला पैर, हाँ वो भी निकल रहा है। अब फिर से देखना, जैसे ही मैं तुम्हारे घुटने पर टच करूंगा वो फिर से पिछली बार के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा चिपक जाएंगे। 1 2 एंड 3। फिर से लॉक, फिर से लॉक, फिर से लॉक, फिर से लॉक, कंप्लीटली लॉक। आर यू ट्राइंग? सुन पड़ जा रहे, नहीं उठ रहे, वेरी गुड। पूरी तरह से चिपक जा रहे, कैसा महसूस हो रहा तुम्हें? दबा के बैठा उसको, बैठा है। अच्छा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? पूरे चिपके हुए, ऐसा मतलब नीचे से ऐसे हाथ पकड़ के से पूरे पकड़े हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, वन सेकेंड, फोकस टुवर्ड्स माई हैंड, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्लीप, गोइंग बैक डाउन टू दिस अमेजिंग स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। पिछली बार के मुकाबले और गहरी अवस्था में जा रहे हो, और तुम जितना ज़्यादा गहरी अवस्था में जा रहे हो उतना ज़्यादा तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ तुम इसी तरह से इमेजिन करते रहो कि जितना ज़्यादा तुम, जिस तरह से तुमने पहले पैर तुम्हारे चिपक चुके थे, इमेजिन करो कि जो भी तुम्हारे पैर के और स्टैंड के बीच में ग्लू लगा हुआ था वो अभी पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, वो पूरी तरह से निकल चुका है। और क्योंकि वो पूरी तरह से निकल चुका है, इसलिए तुम अपने पैर पहले की तरह से यूज़ कर सकते हो। तुम पहले की तरह से चल सकते हो, दौड़ सकते हो, फिर सकते हो, कूद सकते हो। जो भी एक्टिविटीज़ तुम पहले कर सकते थे वो सब तुम अभी कर सकते हो। एंड यू आर गोइंग डीपर इन